ग्यारह बजकर 50 मिनट पर पीएसएलवी एक्सएल रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा, सूर्य की स्टडी की जाएगी। देखिए तमाम वैज्ञानिक इस वक्त सीधी तस्वीरें इसरो सेंटर से आप देख रहे हैं, तमाम वैज्ञानिक इसरो प्रमुख इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 11:50 पर ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। तमाम वैज्ञानिक धड़कने हालांकि इस मिशन में भी बड़ी हुई है क्योंकि ये स्वदेशी मिशन है, पूरी तरह से स्वदेश में देश में इसे तैयार किया गया है और आज इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 बता दे आपको, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के करीब 4 महीने 109 दिन बाद लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर क्योंकि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता और इसलिए यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। तो देखिए L1 पॉइंट जहां आदित्य L1 पहुंचेगा, अब ये पॉइंट क्या है, L1 पॉइंट आखिर क्या है, इसे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। सीधे नेक्स्ट स्टूडियो आपको लेकर चलते हैं जहां सहयोगी ऋतु इस वक्त मौजूद है, वो आपको समझाएगी कि L1 पॉइंट आखिर क्या है। ऋतु बिल्कुल, देखिए धरती से सूरज के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है, इसे हम समझाते हैं आपको। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। L1, L2 और L3 की अगर बात की जाए तो ये स्थिर नहीं है, इनकी स्थितियों की बात की जाए तो इनकी स्थिति यानी कि L1, L2 और L3 की स्थिति जो है वो बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट की बात की जाए तो ये स्थिर है और अपनी स्थिति को ये बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। बल्कि L1 जो होता है वो इसका पहला पॉइंट होता है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो देखिए चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई और उसके बाद अब इसरो की सूरज की तरफ निगाहें हैं और लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है यह हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। 5 पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। शुरुआत के 3 पॉइंट्स की बात की जाए जो कि स्थिर नहीं होते हैं, अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, और आखिरी के 2 पॉइंट्स का जैसे कि मैंने जिक्र किया था L4 और L5 ये स्थिर होते हैं। तो जया मेरे साथ लगातार बनी हुई, जया बिल्कुल। तो देखिए चंद्रमा पर चमत्कार हमने कर दिया लेकिन अब सूर्य पर नमस्कार करने की बारी है और जिस पॉइंट पर जाकर इसरो का ये मिशन आगे बढ़ेगा, आदित्य L1 L1 जो पॉइंट है वो भी आपको समझाने का हमने प्रयास किया, तस्वीरें भी आपको दिखाई, लेकिन ये पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो सूरज का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, समझने का प्रयास किया जाएगा सौर मंडल को, सूर्य को। तो बता दें आपको आदित्य L1 पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह से एक स्वदेशी प्रयास है और खास हो जाता है ये मिशन चांद के बाद, अब सूर्य की बारी है। हालांकि भारत पहली बार जरूर सूर्य मिशन पर है लेकिन इसके पहले बाकी तमाम देश जरूर सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। अभी 7 मिशन ऐसे हैं जो एक्टिव हैं अंतरिक्ष में और अब भारत वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। सीधे रुक करते हैं इस मिशन को जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ सोनी जी जो साइंटिस्ट है वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, इस मिशन को वो हमें समझाने की कोशिश करेंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मिशन से भारत को हासिल क्या होगा। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर बंसल न्यूज पर, और आपसे इस मिशन को सबसे पहले समझना चाहेंगे सर, आदित्य L1 मिशन क्या है, किस तरह से इसे सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, मुझे जो मौका मिला इसके बारे में जानकारी देने के लिए। जैसा कि ऋतु जी ने समझाया कि L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट्स होते हैं, इस समय हम 15 लाख किलोमीटर जाकर L1 पर हमारा ये मिशन पहुंचेगा। ये मिशन चंद्रमा से बहुत ही भिन्न है क्योंकि इस बार हम सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि जिसको हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 1100 नैनोमीटर फर्दर वी गो टू माइक्रोवेव रीजन तक जाते हैं और उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्स होते हैं, और हम सोलर एनर्जी के बारे में, उस सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर एनवायरमेंट के बारे में इस बार स्टडी करेंगे। इससे कि जो मेरा जो नॉलेज है, जो मैं सोच सकता हूँ कि इस सिस्टम से, इस सेटेलाइट से हमें सोलर एनर्जी और सोलर रेडिएशंस और उसके इफेक्ट एनवायरनमेंट में क्या होते हैं उसकी स्टडी की जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि ये पूर्ण स्वदेशी मिशन है और प्रथम सूर्य पे हम सैटेलाइट भेज रहे हैं और हमें काफ़ी उम्मीद है कि इससे जो जानकारी मिलेगी वो सिर्फ एक यही सैटेलाइट नहीं बल्कि जो हमारे मिशन चंद्रयान है, मिशन हमारा मार्स है, उसमें जो एनर्जी लगती है, सोलर एनर्जी हमको लगती है, हमारे जितने भी सेंसर्स होते हैं,
तो हम इसके बारे में इसके स्टडी करके दूसरे सैटेलाइट्स की लाइफ बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ऐसा मैं मेरा खुद के स्वयं के विचार है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, लेकिन समझना आपसे ये चाहेंगे सर कि आखिर इस मिशन की जरूरत क्यों आन पड़ी। चंद्रमा के मिशन को तो हमने समझने का प्रयास किया कि वहां पर चंद्रयान 2 के जरिए हमें पता चला कि चंद्रमा पर पानी हो सकता है और उसके बाद चंद्रयान 3 को भेजा गया, लेकिन इस सूर्य मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी सर, क्यों ये जरूरी है हमारे लिए? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस या अपने नॉलेज से बोल सकता हूं कि अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, इंडियन सैटेलाइट्स भी है, बाहर के सैटेलाइट्स भी हैं, और इन हर सैटेलाइट्स की एक लाइफ होती है। किसी की 15 दिन होती है, किसी की महीने भर होती है, किसी की 6 महीने होती है। उस 6 महीने के बाद में वो सैटेलाइट्स के जो सेंसर्स हैं कुछ कारणों से काम नहीं कर पाते हैं। बेसिकली इसके अंदर इनको लगती है एनर्जी जी, हर चीज़ के, जैसे मिशन चंद्रयान भेजा है तो मिशन चंद्रयान के जो एनर्जी उनको सोलर एनर्जी मिलेगी। 15 दिन रात रहता है, 15 दिन सुबह रहती है, तो हम वी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट टाइम। अब उसके बाद में हमको यदि इस सैटेलाइट्स की ड्यूरेशन लाइफ बढ़ानी है तो सोलर एनर्जी लगे का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा सोलर एनवायरमेंट, कारण कि अल्टीमेटली जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा सन के ऊपर बेस्ड है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन सन। हमारा जो माउंसून सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, जिस किसी के आप एनवायरमेंट की बात करेंगे तो सोलर है, तो एक स्टडी है। और जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे आगे बहुत चीज़ें क्लियर होते जाएंगी इसके बारे में सर। लेकिन डाउट्स बहुत हैं, ये एक आम जन के हिसाब से मैं अगर समझने का प्रयास करूं सर, जैसे कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास हम चंद्रयान 3 के जरिए कर रहे हैं, ये भी मदद मिलेगी कि चंद्रमा पर जाने के बाद हमें दूसरे ग्रहों को भी समझने का प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का अध्ययन अगर हम करते हैं, हमारे वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए करते हैं, तो हमें हासिल क्या होगा सर, भारत के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मिशन चंद्रयान पे हम चंद्रमा पे लैंड कर सकते हैं, हम आदमी को भेज सकते हैं, हम उसके बहुत सारे पर्पस कर सकते हैं जी। बस सूर्य पे तो पहुंचना वो तो नामुमकिन है, हो नहीं सकते, हम सूर्य पे लैंड नहीं कर सकते। टेम्परेचर गजब का टेम्परेचर रहता है, मगर जो हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, जो कि हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में थर्मल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, वो अर्थ पे आते आती है, तो उसका उपयोग, क्योंकि एनर्जी आजकल हम कहाँ से कर रहे हैं, वी आर गोइंग एंड क्रिएटिंग एनर्जी फ्रॉम फॉसिल्स, वी आर क्रिएटिंग एनर्जी फ्रॉम अदर एटॉमिक सोर्सेज ऑल्सो, एटॉमिक मिनरल्स ऑल्सो दे आर यूजिंग, वी आर यूजिंग। अब सन, जिसका कि क्या कहना चाहिए कि सन की एनर्जी अनलिमिटेड है और हमेशा मिल सकती है एनर्जी हमें कम, उसको हमको इनरिच होना है इंडिया को एनर्जी के अंदर, तो सन इज द ओनली सोर्स, सन इज द ओनली सोर्स फॉर दैट। तो आगे आगे जानकारी मिलेगी, क्योंकि कई चीज़ें मैं भी खोज में लगा हुआ हूँ कि इनका क्या मिशन है, क्या करते जा रहे हैं, कहते चलते जाएंगे, समय बताएगा। मगर हाँ, एक यदि निर्णय लिया गया है कि हमको सन की स्टडी करना है तो नेचुरली हिंदुस्तान को, भारत राष्ट्र को उसमें बेनिफिट मिलेगा, तभी ये सब निर्णय होते हैं जी। हम इस उम्मीद में कि ये हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा, फिर 1, 2, 3, 4 चलेंगे और आगे चल के हम सूर्य के बारे में, सूर्य की स्टडी और डिटेल हो पाएगी। तो चलिए, स्टडी को लेकर सर जानकारी दे रहे थे हमारे साथ इस वक्त एक और सीनियर साइंटिस्ट जुड़ गए। जी हाँ, साकेत जी हमारे साथ जुड़ गए। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका, और लगातार आज हम इसी पर चर्चा करें क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। थोड़ी देर के पहले मेरी सहयोगी जया ने सीनियर साइंटिस्ट से सवाल भी पूछा था कि ये मिशन क्या है, मिशन को लेकर हम जान चुके कि मिशन क्या है। अब बात ये आती है कि आदित्य L1 जब आज लॉन्च किया जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो ये वहाँ पर काम कैसे करेगा, कितने दिन लगेंगे जब ये वहाँ से जानकारियाँ भेजना हमें शुरू करेगा? जी बिल्कुल, पहली बात तो बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही देखिए कितना खास दिन है, आज कैलेंडर के हिसाब से शनिवार है, जिसको हम सैटर्न यानी शनि ग्रह के लिए हम सोच सकते हैं, और उस दिन हमारी यात्रा सूर्य की तरफ होने वाली है, जो कि हमारा मिशन आदित्य L1 की बात है। आदित्य L1 के लिए हमारे विज्ञान केंद्र में भी एक टेलीस्कोप के माध्यम से फिल्टर लगा के सूरज में जो धब्बे आज देखने को मिल रहे हैं उसको भी व्यवस्था की है, लाइव अरेंजमेंट किया गया है लॉन्चिंग दिखाने का, और ये डायनेमिक स्क्रीन से हम उसको टेक्नोलॉजिकली भी समझा रहे हैं। उसी क्रम में आदित्य L1 की बात आपने की कि लगभग कितने दिन लेगा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन है क्या।
और क्यों हमें इतना जरूरी है कि हमें आदित्य भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भेजने की जरूरत है। सूर्य को हम जितना बेहतर विज्ञान में समझना चाहते हैं उसे हीलियोफिजिक्स कहते हैं। हीलियोफिजिक्स में हम सूर्य के वातावरण को, सूर्य के वायुमंडल को, सूर्य की सतह के तापमान को, सूर्य में उठ रही अलग अलग गतिविधियों के कारण जो तूफान की रूप में बड़े बड़े मटेरियल, लाखों टन मटेरियल सूरज बाहर फेंकता है जिसे हम सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं, वो तूफान हमारी पृथ्वी पे भी प्रभाव छोड़ते हैं। अब हम उस युग में हैं जब हमारे अधिकतर सैटेलाइट पूरे राष्ट्रों के अंतरिक्ष में हैं, हमारी खुद की पृथ्वी की कक्षाओं में हैं और हम दूसरे ग्रहों पर भी भेज रहे हैं और हमारे पड़ोसी चांद पर भी, अब आप देख रहे हैं किस तरीके से हम अपने मिशन भेज रहे हैं, पर सूरज के तूफानों से क्या नुकसान होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, होते हैं उनमें कंट्रोल यूनिट्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, तो जब इतने तूफान में हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको प्रभावित कर सकते हैं और करते भी हैं। जो सैटेलाइट सूर्य के तूफान की ओर पड़ते हैं, जब भी ये तूफान उठता है, जब आता है हमारे पृथ्वी के करीब, तो वो नुकसान होता है। और एक बात और आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे हम कि सूर्य के तूफानों के कारण इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड भी फेल हो सकती है, और इस कई ऐसे हमने पीछे के समय में देखा है कि बड़ी बड़ी पावर फेलियर सूर्य में तूफान के कारण भी हुई हैं। और अब आप बोलेंगे सर इन सबसे आम व्यक्ति को क्या लेना देना है, आप उड़ान तो भरते हैं एरोप्लेन्स में, तो आज एरोप्लेन्स जिस तरीके का डेटा यूज करते हैं जीपीएस का, वो सैटेलाइट से भी कनेक्टेड होते हैं, अर्थ से भी कनेक्टेड होते हैं, और वो हमारी अर्थ में हमारी सतह से थोड़ा ऊपर होते हैं, और जब अगर उस जगह पे तूफान आ रहा है, फिर सूर्य की तरफ है और वहां से हमारा प्लेन गुजर रहे हैं, तो वो भी नेविगेशन सिस्टम में कुछ बदलाव पैदा होने का संदेह रहता है। तो इसलिए सूर्य को बहुत बेहतर समझना हमारे लिए सबसे जरूरी हो गया। देखो सूर्य को बेहतर तरीके से हम सभी समझना चाहते हैं, और जब आदित्य L1 आज जब लॉन्च होगा, वहां पहुंचेगा, तो वाकई में नए नए रहस्य भी खुलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए साकेत जी। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आखिर इसका मकसद क्या है। जी हाँ, आज इसकी लॉन्चिंग होने जा रही, मकसद आपको बताते हैं। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी ये करेगा और प्लेयर्स पर रिसर्च करना भी इसका एक बड़ा मकसद है। आपको बता दें कि सौर कोरोना की भौतिकी और इसके तापमान को भी ये मापेगा, और कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना भी इसका एक बड़ा मकसद होगा। तो आपको ये भी बताते चले कि सूर्य के आसपास के वायुमंडल का भी अध्ययन करने वाला है। तो देखिए इस लिहाज से आदित्य L1 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और आज का दिन भारत ही नहीं, देखिए देश दुनिया की निगाहें भी भारत पर आज है, क्योंकि भारत आज एक बार फिर से इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए स्वदेशी ये मिशन है और सूर्य की तरफ ये मिशन लॉन्च करने वाला भारत ये पहला देश बनने जा रहा है। तो देखिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही मिनट बचे हैं जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, और हम सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। तो देखिए इसका मकसद क्या है वो एक बार फिर से आपको जरा बता देते हैं। फ्लेयर्स पर रिसर्च करना, सौर कोरोना की भौतिकी और उसके तापमान को मापना, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना, सूरज के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, ये तमाम मकसद हैं इस मिशन को लॉन्च करने के। 11:44 हो चुके हैं और 11:50 पर इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो करीब 109 दिन बाद सूर्य को हेलो कहने की तैयारी ये आदित्य L1 करेगा, यानी कि आज जब ये लॉन्च होगा तो 109 दिन का समय इसे करीब वहां पहुंचने में लगेगा। उस पॉइंट तक जो L1 पॉइंट है वहां से सूर्य की स्टडी की जाएगी। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सूर्य तक पहुंचना मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, हीट इतनी ज्यादा है, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचा जाएगा और वहां से सूर्य की स्टडी की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसे समझना। आदित्य L1 की लॉन्चिंग थोड़ी देर में होने वाली है। L1 पॉइंट को क्यों चुना गया, क्या कारण है, वो भी इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि इसकी वजह से कोई भी इसके स्पेस क्राफ्ट एक जगह पर स्थिर रहता है। यहाँ से सूरज 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। दूसरी स्क्रीन पर आपको वो आदित्य L1 भी हम दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में से तैयार किया गया है और आज ये लॉन्चिंग के लिए तैयार है। संचार में काफी आसानी यहाँ से होती है, स्टडी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा है, इसलिए L1 पॉइंट को चुना गया है।
तो देखिए कुछ मिनट के बाद ही आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो जाएगी। और हाल ही में हमने देखिए चंद्रयान 3 मिशन जो हमारा सफल रह रहा था, वैज्ञानिकों का प्रयास था, और इस बार भी सभी की प्रार्थना दुआ यही है कि हमारा ये जो मिशन, जी हाँ, थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनट के बाद जब आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी तो हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भी सफल हो, सफल तरीके से इसकी लॉन्चिंग हो जाए, और उसके बाद L1 पॉइंट पर ये पहुंचेगा। वहां पर बहुत स्टडी ये करने वाला है, अलग अलग जानकारियां, सूर्य पर क्या कुछ रहस्य है इसकी जानकारी हम सभी को मिलेगी। तो देखिए -2 मिनट्स एंड काउंटिंग। अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर, यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV XL संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations, stand by for the timer. T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops around. -50 seconds. All sequences sound. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds प्रमोशन किया जाएगा। HPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMSAM. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ground lit strap-on को separate कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला air lit strap-on को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lid strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है, strap on को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lid and air lid strap ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है।
The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है. इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा. Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है. सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड. The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per payload second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है. सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. वी आर क्लोज टू 5 मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम. प्रेजेंटली द थर्ड स्टेज ऑफ PSLV इज ऑपरेशनल डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट. प्लस 5 मिनट्स. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा. इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा. वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड. जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C-57 का. For the present mission, after PS3 completes Plus its burn minutes. Duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा. व्हीकल इन कंबाइंड होस्टिंग फॉर अप्रॉक्सिमेटली 200 सेकेंड्स. यूनिक टू दिस मिशन द PS4 परफॉर्मेंस नॉर्मल will start twice at predesignated times Plus and duration. Minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee
of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS-4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं. वर्तमान में PS-3 PS-4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है. यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है. Normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Amanir Akasha Mandalasya Chakravati Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayayuva Charkarti Bharvati Jarhati Jajagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS-4 कोस्टिंग फेज पर है. इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है. यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है. We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIOX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा. इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं. लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था. उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है. लेकिन इससे पहले भी तीन पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है. L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है. L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15. तो वो तस्वीरें आप देख रहे थे जिस पल का हमें इंतजार था. आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है. तो मेरे साथ मेरी सहयोगी जया लगातार दूसरे स्टूडियो में मौजूद है, कुछ और खबरों का विरुख करेंगे. जया, बिल्कुल. तो देखिए, आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है, लेकिन मिशन छत्तीसगढ़ की अगर बात